फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हॉनर किलिंग। और दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और प्रेम व्यवहार रचाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक ज़रूर देखना चाहिए, हॉनर किलिंग, क्योंकि इसका बहुत गहरा संबंध है लव मैरिज से। ओके, चलिए आज हम लोग हॉनर किलिंग पे बहुत ही डीप में बात करेंगे और कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट से इसका रिलेशन है। ओके, और कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेशन है, क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप में बात करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं दोस्तों आरजी सिंह और यह अपना चैनल क्लब आई एस एस्पिरेंट। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज चल रही हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सारी सीरीज़ के साथ में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशल सीरीज़। ये और ये स्पेशल सीरीज़ का पार्ट टू है, पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं जिसमें 5 ईयर प्लान हमने बहुत अच्छे से देखा था। जिन लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं फ्रेंड। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी सोशल साइट पर जुड़ सकते हैं, आपको उन सभी का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ओके, और आप लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको सभी तरह की PDFs मिल जाएंगी, वहाँ पर लगभग मैंने 2500 के करीब में PDFs सेंड कर चुका हूँ दोस्तों। और डेली मैं वहाँ पर करंट अफेयर और नई नई बुक्स आती रहती हैं वो सेंड करता रहता हूँ। ओके, चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हॉनर किलिंग। हॉनर किलिंग दोस्तों, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हॉनर का मतलब है प्रतिष्ठा। ओके, और किलिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, किसी को मार देना। तो दोस्तों, हॉनर का मतलब है प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा के लिए किसी को मार देना, तो ये हॉनर किलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनर किलिंग के डेफिनेशन से। ओके, यानी कि ऑनर किलिंग किसे कहते हैं? तो ऑनर किलिंग दोस्तों हम उसे कहते हैं जब कोई सगा संबंधी या परिवार का व्यक्ति अपने किसी को मार देता है, तब उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। ओके, इसमें देखिए दो की पॉइंट हैं, एक कोई सगा संबंधी या कोई परिवार का व्यक्ति अपने किसी को मार देता है। ओके, किसको? अपने किसी को मार देता है, तब उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। आखिर ये मारने का कारण क्या होता है? इसमें कारण बताया जाता है कि हमने ये हत्या प्रतिष्ठा के लिए की है। ओके, किसके लिए? प्रतिष्ठा के लिए की है। ओके, तो प्रतिष्ठा के लिए अगर किसी की हत्या, अपने किसी हत्या कर दी जाती है तो उसे हॉनर किलिंग कहते हैं दोस्तों। और हॉनर किलिंग का जो सबसे ज़्यादा मामले हैं, केसेस हैं, वो लव मैरिज में देखने को मिलते हैं, यानी कि जब कोई प्रेम विवाह करता है तब उसमें हॉनर किलिंग के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं। आखिर दोस्तों, हॉनर किलिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने को मामले किस में मिलते हैं? लव मैरिज में, यानी कि जो प्रेम विवाह करते हैं उनमें। तो लोग समानता ये मान लेते हैं कि अगर कोई प्रेम विवाह करता है, उनकी कोई हत्या कर देता है, तो वो ऑनर किलिंग में आती है, तो उसे ऑनर किलिंग नहीं बोलते हैं दोस्तों। ऑनर किलिंग आपको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जब कोई विवाह करता है तो समानता दो लोग होते हैं, उसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है, यानी कि एक लड़का एक लड़की आपस में शादी करते हैं। जब ये शादी करते हैं तो इनकी कोई फैमिली भी होती होगी दोस्तों। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लड़की का एक परिवार है, फैमिली है। ओके, जब ये लड़की के परिवार वाले इस लड़की की हत्या कर देंगे तब इसे ऑनर किलिंग कहेंगे। ओके, लेकिन यही परिवार वाले अगर ये लड़की की हत्या करते हैं तो ये ऑनर किलिंग में नहीं आएगा। इसी तरह ये जो लड़का है, इसका भी अपना एक परिवार होगा। अगर ये लड़के के परिवार वाले अपने लड़की की हत्या कर देते हैं तब ये ऑनर किलिंग में आएगा। अगर ये लड़के के परिवार वाले हैं, अगर ये लड़की की हत्या करते हैं तो ये दोस्तों ऑनर किलिंग में नहीं आएगा। ये आपको क्लियर कट कर लेना है। तो ऑनर किलिंग किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताता हूँ, अगर इस अप्रोच को आप समझ गए तो आपको जो न्यूज़ होती है ना उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और साथ में एक आपको एक ऐसा अप्रोच मिलेगा कि हमें कैसे किसी डायरेक्शन में सोचना होता है और हम किसी न्यूज़ को कैसे अपने लिए यूजफुल बनाएंगे। ओके, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं विवाह। यहाँ पर एक वर्ड आया, विवाह यानी कि मैरिज। आखिर हम अगर विवाह होगा दोस्तों, विवाह कैसे लोग कर सकते हैं? ओके, विवाह या तो वो अपने धर्म में करेंगे, यानी कि अपने धर्म में करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, अन्य धर्म के किसी व्यक्ति से शादी करेंगे। ओके, अगर ये लोग अपने धर्म में भी करते हैं तो इसमें दोस्तों एक जाति आती है, कास्ट आती है। ओके, तो ये लोग अगर अपने धर्म में भी करते हैं तो ये दो तरह से शादी कर सकते हैं, या तो वे अपनी कास्ट में शादी करेंगे, यानी कि सेम कास्ट में शादी करेंगे, या फिर अदर कास्ट में शादी करेंगे। ओके, किस में शादी करेंगे? अदर कास्ट में शादी करेंगे। ओके, अगर वो अपनी कास्ट में भी शादी कर लेते हैं,
इसमें भी तो दोस्तों एक इसमें और डिवाइड होता है, गोत्र होता है। ओके, क्या होता है? गोत्र होता है, जिसको क्लेन बोलते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में क्लेन बोलते हैं, गोत्र। गोत्र क्या होता है दोस्तों? एक गोत्र एक ऐसा समुदाय होता है दोस्तों, जो किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि दादा परदादा होते हैं, उनकी जो भी ब्रांचेस होगी वो एक गोत्र के अंदर आती है। ओके, और गोत्र होता है, हिंदू धर्म में माना जाता है कि समान गोत्र में शादी करना अनुचित है। ओके, अगर तो अगर कोई सेम कास्ट में भी करता है तो वो क्या कर सकता है? वो सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं, यानी सेम क्लेन में शादी कर सकते हैं, या फिर क्या अदर क्लेन में शादी कर सकता है, यानी गोत्र में, दूसरे गोत्र में शादी कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर आपको कैसे अप्रोच बनता है दोस्तों। अगर आप इस जो मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरह से अरेंज करके लिखा है, आपने इस तरह से ही लिख दिया ना, तो दोस्तों बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगर ऐसे आया है वुमेंस की प्रॉब्लम के ऊपर, वहाँ पर आपने इसको इस तरह से फ्रेम के रूप में इस डायग्राम को दिखा दिया, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, और देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। देखिए विवाह होता है, विवाह कोई कैसे कर सकता है? या तो वो दूसरे धर्म में करेगा, अगर वो दूसरे धर्म में करेगा तो इसी के लिए इंटर रिलीजियस मैरिज बोलते हैं। ओके, अंतर धर्मीय विवाह होता है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, वो यही होती है किसी दूसरे धर्म से शादी करना। ओके, आप ये देखिए यहाँ पर कोई शादी करेगा वो तो या किसी दूसरे धर्म से करेगा या फिर अपने धर्म में ही करेगा। अगर कोई अपने धर्म में करता है तो धर्म के अंदर भी एक जाति व्यवस्था आती है, या तो फिर वो क्या करेगा, अपने धर्म में तो शादी की लेकिन या एक ऑप्शन है, या तो वो अपने जाति वालों से शादी करेगा या फिर दूसरी जाति वालों से शादी करेगा। जब वो दूसरी जाति वालों से शादी करेगा तो इसी के लिए इंटर कास्ट मैरिज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इंटर कास्ट मैरिज यही है। अगर मान लेते हैं अगर उसने यहाँ पर अपनी जाति भी सेम रख ली, ओके, लेकिन जाति में भी एक गोत्र आता है, तो वो दूसरा उसके पास ऑप्शन क्या है? या तो उसका सेम गोत्र से वो शादी करेगा या फिर अदर गोत्र से शादी करेगा। तो दोस्तों गोत्र से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, ऑनर किलिंग होती है, इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल जो ऑनर किलिंग होता है उसका 3% सिर्फ गोत्र से रिलेटेड होते हैं। यानी कि गोत्र से ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, गोत्र से टोटल ऑनर किलिंग का अगर हम रेशियो देखें तो 3% है। और सारी जो क्या दोस्तों मर्डर होते हैं, ऑनर किलिंग होती है, वो किसको लेकर के होती है? वो इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस जो मैरिज होती हैं इनको लेकर के सबसे ज़्यादा क्या होती है? ऑनर किलिंग होती है दोस्तों। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केसेस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर केसेस हैं तो वो इंटर कास्ट मैरिज में है। क्योंकि अगर हम देखें समानता, अगर कोई प्यार और विवाह करता भी है तो वो किससे प्यार करता है? वो अपने धर्म वालों से करता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो अपनी कास्ट को ध्यान में नहीं रखता है। वो ये देख लेता है कि हाँ ये अपनी धर्म का है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, या ये लोग अपने में देख लेते हैं, लेकिन ये इतना नहीं देखते हैं कि भाई ये कास्ट किसकी है। ओके, तो ये नहीं देखते हैं, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो अदर कास्ट के ही हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो ऑनर किलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा अदर कास्ट में होती है। और इन टोटल इन दोनों को मिला करके, इंटर रिलीजियस मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज को मिला करके 97 केसेस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शादी होती है वो किस तरह से हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है, कोई शादी करेगा तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर कट हो गया होगा दोस्तों, और इसको अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ऑनर किलिंग है दोस्तों, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमारे पेपर के लिए कौन कौन से पेपर में पूछा जा सकता है, इसका रिलेशन किससे है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसे कैसे ऐड करके देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑनर किलिंग है ये सोशल इशूज़ से रिलेटेड एक टॉपिक है, और इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका रिलेशन है वो महिलाओं की समस्या से है। ओके, और दूसरा अगर हम इसके संबंध की बात करें तो जीएस सेकंड पेपर है, यूपीएससी का जो जीएस सेकंड पेपर है सिविल सर्विसेज का, इस टॉपिक का संबंध उससे है। साथ में एथिक्स पेपर है एक दोस्तों, फोर्थ पेपर, एथिक्स पेपर जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो एथिक्स पेपर है दोस्तों उसका इससे संबंध है। ओके, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर हम इसे अभी क्यों देख रहे हैं। तो हाल ही में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक अपना जजमेंट दिया था, उन्होंने कहा था अगर दो बयक्स किसे कहेंगे दोस्तों, अगर लड़की 18 साल या उससे ऊपर की है तो वो बयक्स है, और लड़का अगर 21 साल या उससे ऊपर है तो उसे बयक्स कहेंगे वर्तमान नियमों के अनुसार। और ये हो सकता है चेंज भी हो जाए, क्योंकि शादी की जो बयक्स का जो एज लिमिट है दोस्तों उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, कि लड़कों की 21 से बढ़ा करके
23 से 25 के बीच में कर दी जाए और लड़कियों की बढ़ा करके 20 से 21 के बीच में कर दी जाए। ओके, तो अभी तो वर्तमान नियमों के अनुसार लड़की के लिए 18 और लड़की के लिए 21 वर्ष ही है। ओके, तो वो बयक्स माने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई भी दो बयक्स हैं वो आपस में शादी करते हैं तो उसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता है। ओके, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट क्यों दिया? अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई सपना तो आया नहीं होगा भाई, वो उसे रात में सपना आया जज के लिए और सुबह आ करके उन्होंने सुना दिया। ओके, तो ये क्यों आया था दोस्तों, ये मामला क्या है, हम उस मामले की बात करते हैं। तो ये गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है शक्ति बहानी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, शक्ति बहानी। इन्होंने एक याचिका दायर की थी। ओके, इस याचिका में इन्होंने कहा था जो ऑनर किलिंग है इसको विशिष्ट अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में ला दिया जाए। ओके, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में लाने से क्या होगा दोस्तों, इसमें कठोर कानून आ जाएंगे। और ऑनर किलिंग है दोस्तों, इसको काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं कि ऑनर किलिंग सही भी है, क्योंकि वो लोग हैं जो दो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं वो समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है दोस्तों, अगर कोई भी शादी करता है, कोई भी बयक शादी करता है तो उसको अपनी स्वतंत्रता है, वो अपना जीवन साथी खुद, लाइफ पार्टनर खुद चुनने की उसे आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, हर किसी को स्वतंत्रता है, वो कैसे रह सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी, अगर हमारी फैमिली में भी कोई लव मैरिज करना चाहता है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी लव मैरिज करना चाहता है तो उसे भी देखना चाहिए कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो हम उसके साथ लाइफ में रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं कि नहीं, और हमारी फैमिली इससे अलग ना हो। तो फैमिली के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और फैमिली को भी हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों की। अब हम बात करते हैं कि न्यायालय ने क्या फैसला दिया अपना। ओके, तो न्यायालय ने कहा था अगर दो बालिक अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें तीसरा व्यक्ति है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और न्यायालय ने बताया कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 है दोस्तों, उसकी धारा 5 है, उसमें कहा गया कि एक ही गोत्र में शादी ना करने को अनुचित बताया गया है दोस्तों। ओके, और साथ में इसमें कहा गया कि जो ऑनर किलिंग के 3% मामले हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी एनालिसिस करके, कि जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ऑनर किलिंग के केवल 3% मामले ऐसे हैं जो गोत्र से रिलेटेड हैं, लेकिन 97% ऐसे मामले हैं जो धर्म और अन्य कारणों से रिलेटेड हैं दोस्तों के, जैसे कि इंटर रिलीजियस और इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड हैं दोस्तों। और अन्य कारणों में दोस्तों अन्य कारण भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर वो लोग सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ लोग होते हैं परिवार वाले अगर लव मैरिज की तो वो इसी बात से खफा हो जाते हैं और मर्डर कर देते हैं। ओके, चाहे वो अपनी कास्ट में करें और दूसरे गोत्र में करें तब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि लड़का लड़की के लिए हक नहीं है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुन लें दोस्तों। ओके, और ऑनर किलिंग है दोस्तों, अगर हमने इसकी बात करें ऑनर किलिंग क्या है तो इसकी डेफिनेशन है, और मैं ऊपर बहुत अच्छे से आपको समझा भी चुका हूँ कि ऑनर किलिंग क्या है। इसमें बताया है कि अगर इसमें विशेष रूप से महिलाएं पीड़ित होती हैं दोस्तों। क्यों, अगर इसमें विशेष रूप से महिलाएं क्यों पीड़ित होती हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज में जो लिमिटेशन होती हैं, जो दबाव होता है, सोशल दबाव जिसको हम बोल सकते हैं, सोशल प्रेशर बोल सकते हैं, वो पुरुषों के ऊपर कम होता है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए जो ऑनर किलिंग की सबसे ज़्यादा शिकार कौन होती हैं, महिलाएं ही होती हैं दोस्तों। ओके, तो ये आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि सगे संबंधी द्वारा होने वाली हत्या को ऑनर किलिंग कहते हैं। ये हत्याएं प्रायः परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पर की जाती हैं दोस्तों। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं ऑनर किलिंग के कारणों की ओर। ओके, ऑनर किलिंग के बहुत सारे कारण हैं जो ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि लगातार सख्त होती जाती व्यवस्था। अगर दोस्तों आप इससे रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप इन पॉइंटों को दे सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। साथ में अगर आप कोई आंसर लिखते हैं तो उनको भी आप इन पॉइंटों के थ्रू लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर होगा वो एक अच्छा होगा और सही डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इसका एक बड़ा कारण क्या है, लगातार सख्त होती जाति व्यवस्था। जैसे जाति व्यवस्था जितनी ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों, उससे क्या होगा, जो अंतर जातीय विवाह होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, उनमें ऐसे केसेस की घटनाएँ लगातार बढ़ती रहेंगी। तो इसमें यही बताया है कि देश में जातिगत धारणाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। इससे क्या हो रहा है, अधिकांश जो ऑनर किलिंग है दोस्तों वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो लोग शादी करते हैं दोस्तों, प्रेम विवाह करते हैं, तो उनमें देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसका दूसरा कारण दोस्तों, अंतर धर्म यानी कि इंटर
रिलीजियस शादी करते हैं, जो लोग इंटर रिलीजियस शादी करते हैं उनमें भी ऑनर किलिंग के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मामले नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि लोग इंटर रिलीजियस शादी कम करते हैं, इसीलिए केसेस कम है। लेकिन यह भी एक बड़ा कारण है दोस्तों, ओके। और अगर हम बात करें औपचारिक प्रशासन का अभाव, दोस्तों हम लोग जानते हैं आज भी हमारा भारत है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रामीण ऐसा हिस्सा है जहाँ पर औपचारिक प्रशासन का आज भी अभाव है। वहाँ पर जो शासन चलाया जाता है वो खाक पंचायतों के द्वारा चलाया जाता है, जिससे क्या होता है ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को वो लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं ये समाज के नियमों के विरुद्ध था इसीलिए इन्होंने ऐसा किया, तो इन्होंने ठीक किया, इन्होंने हत्या की वो ठीक की, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं इसका, ओके, जो काफ़ी गलत बात है, ओके। तो ऑनर किलिंग का दूसरा कारण, बहुत बड़ा एक कारण है, वो औपचारिक प्रशासन का अभाव है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक प्रशासन नहीं है जिससे इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। साथ में क्या है दोस्तों, पंचायत समिति जैसी जो औपचारिक संस्थाएं हैं इनकी कमी है हमारे यहाँ, ओके। अनुपस्थिति में जो निर्णय की शक्ति होती है, डिसीजन की शक्ति होती है, वो शक्ति कहाँ चली जाती है, अवैध और गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनके पास चली जाती है, जैसे कि खाक पंचायतें हैं इनके पास चली जाती है। और दूसरा दोस्तों कारण है वो निरक्षरता और अधिकारों के प्रति दोस्तों जागरूक नहीं है लोग अपने जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके प्रति जागरूक नहीं है, जिससे क्या होता है ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। इसी तरह ऑनर किलिंग दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो ऑनर किलिंग है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19, 21 और 39 एफ दोस्तों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है, यानी कि जो ये हैं दोस्तों, अगर ऑनर किलिंग की जाती है किसी की तो उसके अधिकार हैं, इन अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि जैसे कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करता है दोस्तों, ओके। इसी तरह आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 19 छः प्रकार की स्वतंत्रता देता है, वक्र अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ और निवास, संचरण और व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है, ओके। तो और इसी के साथ में जो आर्टिकल 21 है वो दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि सभी को कर्मपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों। इसी तरह आर्टिकल 39F है, ये DPSP से रिलेटेड है, यानी कि जो इधर के हैं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं और इधर ये DPSP से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट और DPSP में अंदर होता है, जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम जल्दी ही पॉलिटी पर एक सीरीज़ लाने वाले हैं दोस्तों, ओके। तो यही बताया कि ये जो राइट्स हैं, जो आर्टिकल हैं, इनका उल्लंघन करता है अगर किसी के साथ ऑनर किलिंग की जाती है, ओके। और इसमें बताया है, जो मैंने बताया दोस्तों, ये हैं, ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट है और 39 है, ये DPSP में आता है। और दोस्तों ऑनर किलिंग की वजह से जैसे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो हमारे संविधान की आत्मा और दर्शन है दोस्तों, इनको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है दोस्तों, ओके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ऑनर किलिंग है दोस्तों, ये सहानुभूति, प्रेम करना, सहनशीलता जैसे गुणों के अभाव को और बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों। साथ में विभिन्न समुदायों के बीच राष्ट्रीय एकता, सहयोग आदि की धारणा को बढ़ावा देने के लिए एक बाधक के रूप में कार्य करता है, ओके। इससे क्या होगा, अगर हम किसी दूसरी कास्ट के लोगों को मार देंगे, ऑनर किलिंग कर देंगे, हम शादी नहीं करने देंगे, तो क्या होगा, इससे जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो लोगों में दोस्तों एक भावना नहीं आ पाएगी ना, वो भावना टूट जाएगी, उन्हें लगेगा ही नहीं कि, उन्हें लगेगा कि हम एक राष्ट्र में नहीं रह रहे, हम तो सब एक दूसरे से विभाजित हैं, ओके। तो राष्ट्रीयता का अभाव आता है अगर ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रयास किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हाल ही में जो मुद्दा है उसमें अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वयस्क व्यक्तियों के द्वारा अपने विवाह के संबंध में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता है, अगर कोई भी उसका विरोध करता है तो वो विरोध अवैध होगा दोस्तों, ओके। चाहे वो विरोध माता पिता के द्वारा किया गया हो या फिर खाक पंचायत के द्वारा किया गया हो, यानी कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फिर अदर मेम्बर हो, ओके। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि भाई आप ऑनर किलिंग को रोकने के लिए इसके संबंध में कुछ कठोर कदम उठाइए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप कोई कठोर कदम उठाइए, तो सरकार ने कहा चलो ठीक है भाई हम कदम उठाते हैं। तो सरकार 2010 में एक बिल लेके आई थी, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम
द नेम ऑफ ऑनर बिल। ओके, इस नाम है, इस नाम का जो बिल है ये इसी के संबंध में लाया गया था, ऑनर किलिंग के संबंध में। दोस्तों अगर हम अब हम इस बिल के महत्वपूर्ण पक्षों की बात करते हैं, दोस्तों इसमें कहा गया है कोई भी ऐसा दंपति जो विवाह करके आता है, शादी करके आता है, तो उस शादी या विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से कोई भी समुदाय या फिर गांव दोस्तों किसी भी सभा को आयोजित करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि ऐसी कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है जो इन दंपत्ति हैं दोस्तों इनके विवाह को अस्वीकार करें। ओके, और इसमें कहा गया दोस्तों जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कि समाज होता है दोस्तों वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है तो वो इतना कर देता है कि आपको बहिष्कार कर देता है, इस समाज से बहिष्कार कर देता है, कह देता है कि आपको इस गांव से जाना पड़ेगा, इस शहर से जाना पड़ेगा, आप इस मंदिर में नहीं आ सकते, तो इस तरह से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है दोस्तों। ओके, तो सामाजिक बहिष्कार उसका नहीं किया जा सकता, साथ में उसको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है इस बिल के द्वारा दोस्तों। ओके, और साथ में इसमें एक बात और जोड़ी गई दोस्तों, जो भी हॉनर किलिंग करता है दोस्तों उसको निर्दोष साबित करना है तो उसे वो स्वयं करना होगा, ऐसे वो किसी गांव वाले सभा वालों को आयोजित करके ये नहीं कहेगा कि हम सही हैं या हम गलत हैं। ओके, तो ये कौन होगा, उसी का स्वयं का दायित्व होगा कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करें। अगर हम बिल की महत्व की बात करें तो दोस्तों ये आर्टिकल 1921 है, इनकी सुरक्षा करता है, साथ में ये महिलाओं हैं दोस्तों उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उनके लिए दोस्तों क्या होते हैं, अधिकार मिलते हैं इसके द्वारा। ओके, अगर दोस्तों हम निष्कर्ष की बात करें या फिर आपसे पूछा जाए कि आपके क्या सुझाव हैं जिससे ऑनर किलिंग को रोका जा सके, तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि मीडिया को समाज में जागरूक करना चाहिए, मीडिया की इसमें भूमिका बढ़ानी चाहिए, साथ में लोगों को साक्षर करना चाहिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, और जैसे जो जातीय व्यवस्था है उनको ज़्यादा प्रबल नहीं होने देना है, राष्ट्रीयता को दोस्तों बढ़ाना है, ऐसे मूल्य हैं जो हमारे संप्रभुता और बंधुत्व को बढ़ाते हैं उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ में दोस्तों आप बता सकते हैं ना केवल इसमें जो हॉनर किलिंग है दोस्तों उसको रोकने के लिए ना केवल गवर्नमेंट के लिए काम करना है, बल्कि गवर्नमेंट के साथ इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, और अन्य जो हितधारक हैं जैसे NGOs हैं और कई सारे महिला संगठन हैं और संगठन हैं, उन सभी को आकर के सम्मिलित रूप से कार्य करना होगा, तभी हॉनर किलिंग है दोस्तों उसको रोका जा सकता है। और आप लोग भी दोस्तों अगर किसी से प्यार करते हैं तो पहले अपने घर वालों की राय लीजिए और उनको मनाने की कोशिश कीजिए, जिससे ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने ना आ पाए, और घर वालों को भी सोचना चाहिए कि हाँ अब कंडीशन चेंज हो रही है, अब दोस्तों जो ज़माना आ गया वो बदल गया है, तो उन लोगों के लिए भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, और हम सभी के लिए दोस्तों अच्छे से काम करना है तभी हम इसको बदल सकते हैं। चलिए हम लोग अपनी वीडियो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हम मुझसे पूछ सकते हैं।